हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुबह के हो रहे हैं 7:30 और अपने ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आज पहाड़ों का मौसम पूरा चेंज हो रखा है, देख लो, हल्की सी धूप आई हुई है और आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं। तो आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है, पिछले 4 दिन से आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं काफल तोड़ने के लिए, सारे बच्चे। हम लोग पता कहाँ जाने वाले, जो आपको सामने वाली पहाड़ दिख रही होगी वो ऊँची वाली, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। और इस वाली पहाड़ी पे अपना गांव है, तो आपको वहाँ जाके हमारा गांव दिखेगा। अब देखते हैं वहाँ काफल पके हैं या नहीं पके हैं। तो हम लोग फर्स्ट दिन जाएंगे जंगल, देखते हैं क्या रहते हैं, एडवेंचर रहेगा पूरा, मज़ा आने वाला है ना डिग्गू। ये गाइस पूरी जो ख्वाहिश है डिग्गू के लिए, तैयारी में लग गया अपना डब्बा तैयार करने के लिए। इतना बड़ा डब्बा लेके जा रहा भाई, तोड़ के लाएगा, मैं देखो इतना छोटा लेके जा रहा हूँ। और मेरा टारगेट है इसको भी आधा लेके आने का। तुझे क्यों नहीं आते? अरे अगले दिन आएगा ना, आज पहले दिन तेरी छुट्टी है, आज हम देख के आएंगे। आइए शान में गाइस, ये डर जाएगा ना, गाइस ये डर जाएगा, अगली बार जाएंगे इसको। ₹20 का डब्बा देखो, अपने से बड़ा डब्बा लेके जा रहा है। देखो गाइस, इसमें भर के काफल लेके आएगा, और ये भी नहीं पता कि जंगल में काफल पके या नहीं पके हैं, डब्बा इतना बड़ा लेके जा रहा है। तो गाइस सारे बच्चे मिल गए भाई, ये देख लो। और काफल की जगह रहेंगे, क्या चल रहा है ये, ये देखो भाई, ये लगे हुए हैं खट्टे। पहाड़ में तो बहुत सारी चीज खाने के लिए, काफल मिले ना मिले कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा खाने के लिए। देखो आज मेरे को डिग्गू ने बोल रखा है कि काफल है, अगर काफल नहीं होंगे डिग्गू को वहीं रख के आ जाऊंगा। तूने बोला भाई, मैंने नहीं बोला। जंगल के हाल देख सकते हो आग लगने के बाद, ऐसे हो गए पूरे जंगल काले काले हो गए। कुछ बच्चे पीछे हैं, कुछ बच्चे आगे हैं भाई, एक बच्चा मेरे पीछे है, ये कैमरे से बहुत भाग रहा है। आपको आसपास पूरा चीड़ का जंगल दिख रहा होगा। तो ये है चीड़ का फल जो कि बहनी ने दिया, इसके अंदर बहुत सारे सियोते होंगे, अब निकलेंगे नहीं यार। सुबह के हो रहे हैं 8:40 और हम लोग जंगल पहुंच गए। तो यहाँ पे पहला पेड़ मिला और सारे बच्चे पहले भी चढ़ गए, ये इतना थक गए थे घर से कि इनको काफल का पेड़ चाहिए था। इस वाले पेड़ में चढ़े हुए एक टहनी में सारे बच्चे, कुछ इसमें हैं और कुछ भाई उस वाले पेड़ पे। लो सर जी पकड़ो गाइस, ब्लॉग बनाना छोड़ के बच्चों की स्पीड खाने की, कैमरा वैमरा नीचे छोड़ के भाई खाना स्टार्ट कर दिया था, इतने सारे पके हुए भाई। ये चढ़ गए पेड़ में, ये क्या कर रहे भाई, टहनी तोड़ना। अबे एक और आ गया, देखो नीचे, ये देखो भाई सारे पके पके काफल हैं, जल्दी जल्दी खाओ भाई। अब गाइस 2 घंटे बाद होशियार भाई लोग मिल रहे हैं, कैमरा था इन बच्चों के पास और हम लोग अलग थे, ये लोग अलग थे, अब जाके मिलने, आवाज़ मार मार के ढूंढा इनको भाई, उठा ले काफल। सुमित भाई, डिग्गू, मैं एक साथ थे, ये तीन भाई एक साथ थे, और हमारे गैंग में बहुत सारे बच्चे थे, जितनी बहनी लोग थे वो अलग है, वो हमारे साथ थे वहाँ पर हैं। तो इनको ढूंढने आए थे, लोग ढूंढ लिया भाई, पूरा जंगल है काफल का, देख लो भाई मुश्किल से मिल रहा है भाई। जंगल पे आग लगनी, वैसे काफल जले हुए हैं पर हमारे लिए तो हो ही गए। वो टिबेलियन काफू है, छोटू का पकड़ो। ओ भाई नाम क्या है, छोटू नाम क्या है, खिमेश भट्ट पेड़ में गए हैं भाई, देख सकते हो काफी काफल तोड़ने हैं। हम लोगों ने काफल तोड़ लिए, हमारा तो डब्बा फुल हो गया, छोटा डब्बा लाने का फायदा जल्दी फुल हो जाता है, होशियार भाई का डब्बा बड़ा था वो तो आधा ही है, छोटा डब्बा लाने का फायदा ये देखो भाई, सबसे छोटा डब्बा जल्दी फुल हो जाता है। हमने इतने सारे एक ही पेड़ में से उठा रखे हैं, हमारे साथ साथ 3 कुत्ते भी आ रखे हैं गाँव से भाई, ये कुत्ते 4 हैं, एक गायब हो गया। ये किसके कुत्ते हैं, विपिन भाई अपने साथ कुत्ते को काफल करने लाए थे क्या, कुत्ता गायब, मेरा गायब हो गया कुत्ता। ओ भाई गाइस, अगर जंगल में किसी को कुत्ता मिले तो मजे ही आ गए भाई। ये लोग तीन चार चार कुत्ते लेके आ रखे हैं और इनके कुत्ते भी खो गए, जंगल में पूरी आग लगी हुई है भाई। यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, ये गाइस अंग्रेजों का एक टाइम बंगला हुआ करता था, अब इसके सिर्फ अवशेष ही बचे हुए हैं। जो रास्ता है ना, ये भी अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, इससे नीचे आपको पूरा सीधा रास्ता दिखेगा। तो यहाँ पे अंग्रेजों के घोड़े चलते थे, यहाँ पे पूरे अवशेष बचे हुए, कुछ यहाँ पर भी है नीचे भी है, तो यहाँ पर बंगला हुआ करता था, अब तो पूरा ख़त्म ही हो गया। तो इस बात से ये पता चलता है कि अंग्रेजों ने पहाड़ों में बहुत कुछ किया भाई। जैसे हमको अपना गांव दिख रहा है इन पेड़ों के पीछे, आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा कैमरे पे, गोप्रो पे जूम नहीं होता, वरना आपको जूम करके दिखाता, यहाँ से आपको पूरा गाँव दिखेगा हमारा। इन पेड़ों के बिल्कुल पीछे हम सामने वाली पहाड़ी पर हैं, जैसे मैंने आपको सुबह दिखाया था वहाँ से ये वाली पहाड़ी दिख रही थी, इस वाली पहाड़ी से हमारा पूरा गाँव दिख रहा है इस वाली यहाँ पर पूरा, और ये पूरा जंगल है भाई। चीड़ की पत्ते कितनी गिर गई, फिसलने का बड़ा डर, कोई तो फिसलो भाई, एक बज गया, फिसला बज गया, आराम से भाई गिर गया, आराम से भाई, मजाक किया था मैंने, सच में गिर गया है, आराम से आराम से। और यहाँ से किसी का पैर फिसलेगा ना तो सीधे धड़ाम करके नीचे पहुँच जाएगा। सुमित भाई देख ले, यहाँ से देख नीचे, देख रहे हैं
मैं बस सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि चीड़ की पत्तियाँ ज्यादा गिरी हुई हैं। सारी सारी बहनियाँ देखो, सब सर मारी, अभी तक सबका फेस इधर था, कैमरा ओपन किया, सारा उधर को हो गया। नीतू ने इतने सारे काफल उठा दिए भाई, और सबसे अच्छा तो चाची के साथ हुआ है। चाची ने कहा काफल तोड़े पन्नी में, लास्ट में पन्नी से सारे काफल नीचे। ये बहनी के हैं, नीतू के दूसरी बहनी के हैं, सब की गलियां है तू। चलो बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया। चाची के कारनामे देखो, चाची और चाची काफल कहाँ? चाची के, चाची तुम्हारे कहाँ? ये है ये चाची के, छोटे भाई। अच्छा, दोबारा फोटो ले, झूठ बोल रहे थे, झूठ। अच्छा झूठ, इतना बड़ा पोपट ए नीतू के, ए चाची के। अच्छा ये तुम्हारे, ये भाई के, ये दोनों मेरे हैं। दोनों नहीं, ये भाई के, और मेरे कहाँ के? मेरे यहाँ भाई। तो वो खोलो भाई, फूले वो। अरे मेरे का फूल, और नजर नहीं लगाएगा कोई, नजर नहीं लगाएगा कोई, नजर डिगो का नजर लग जाए। इतने काफल मैंने डिगो के लिए उठा रखे हैं, ले डिगो। वहाँ बहुत पकड़े चाची ने, जितने भी काफल तोड़े गए जमीन में रह के, पेड़ में गई नहीं चाची, और इतने सारे पेड़ में गए, तो इन सबको शर्म आनी चाहिए भाई। चाची का फेस रिवील किया जाए, कुछ सीखो चाची से, कुछ सीखो भाई, कुछ सीखो तुम। बहनी के तो सीखन जाए तुम, चाची था बहना, चाची तू था के सीखन जाए, उन्होंने बहमे रहते थे टिपा लिया। ओ भाई ये दिन ब्याग दिन लेना सर मानना, जितनी आन सर मानना है। चले कौन बचा अब, कौन बचा? और दो बच्चे हैं, आवाज मारो उनको भाई, हमारी गैंग के दो बच्चे गायब हो गए भाई। ढूंढने वाले को 50 रुपए ना ले गया, देखो मेरा कुत्ता ले तो छोटा किसी ले तो कुत्ता मेरा, कुत्ता गायब हो गया। काफल दिखाओ, कितने काफल हमारे? झांसी का राजा, झांसी का राजा भाई। अबे नहीं भाई, तो भाई जितने मैंने काफल उठाए सुमित भाई के चक्कर में, क्योंकि पेड़ में चढ़ाने वाला भाई था मेरे को, क्योंकि झांसी के राजा। ये देखो भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत काफल है। ना ना कोई नहीं दिखेगा, देखा सुबह ही बोला था बड़ा डब्बा लेके मत आ। डिग्गू तेरे इस तरह फूल कर लिया भाई, इसने कसम खाई थी फूल करके जाऊंगा। ये देखो भाई, बहुत बढ़िया भाई, तू अपने दिखा ले। एक तादी होल पक्के हैं, ये कसम भी खा रहा था जब तक कसम खा। बहुत बढ़िया, चलो बच्चों पूरी गैंग आगे चलो। मेरे कुकुर गायब है, कोई नहीं आ जाएगा। हमारे ग्रुप से कुत्ता गायब हो गया, बाकी सब आ गए। गाइस आग लगी है, जंगल का हाल देखो जिस तरीके से हो रखा है भाई। पूरे यहाँ पे पेड़ गिर रखे हैं, ये बहुत सारे पेड़ में आग लग रखी है। आग लगने की वजह से ना पूरी यहाँ चली जाती है, और पेड़ कुछ इस तरीके से सूखे हुए हैं पूरे, और हमको जाना है ऐसे नीचे वहाँ पे, उसके बाद जाएंगे हम लोग उधर पे। गाइस चीड़ की पत्तियां इतनी ज्यादा हो रखी है भाई, ये गया गया गया, बच गया भाई, गिरते 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 बचा भाई, गिरते गिरते बचा। मैं तो गिर गया भाई, मैं ऐसा फिसला धड़ाम करके, मेरा डब्बा भी गिरने वाला था। अब मैं सोच रहा हूँ कि कौन गिरे, मैं शूट करूँ उसको, बस कैमरा ओपन रखना भाई। एक तो गिरे पत्ते, इतनी ज्यादा हो रखी चीड़ की, इसमें ऐसे फिसला पैर पुराई है भाई। जंगल से आएंगे पूरे थक गए, सबके सब काबुल उठा के, अब सभी सभी यहाँ पी रहे पानी भाई। नहीं तो दोबारा भी कैसे बनने चाहिए, एक बार दोबारा आए, एक बार आए बस, एक बार भाई। इतने मस्त करके पानी पीते ना नीतू, मज़ा आ जाता देख के। बस कैमरा निकालने से पहले गायब हो गई। सबसे ज्यादा प्यास से तीन ही महीने को लगी थी, सबसे ज्यादा भाग के आई भाई लोग नहाने लगे यहाँ पे। सुमित भाई और उमेश भाई गए हुए हैं, बाकी ये तीन देख रहे हैं। हो गए 12:30 और हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। तो अभी तक सारे भैया बहन लोग थे, तो अब हम बचे तीन, होशियार डिग्गू और मैं। हालत पूरी ख़राब हो गई है इन लोगों के, तो मज़े आए नदी में नहाने में, पूरा मज़ा लेके आ रखे हैं लोग, पर मेरे को तो घर जाके नहाना होगा, पूरी हालत ख़राब हो रखी है गर्मी से भाई। आजकल पानी भी है नदी में, आजकल एक तो नदी में पानी नहीं है, ऊपर से ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसका रीज़न यह पहाड़ों में इतनी ज़्यादा आग लगी हुई है, और ऊपर से हवा भी नहीं चल रही है भाई, ऐसी उमस टाइप की हो रही है, अजीब व गरीब सा मौसम हो रखा है। हालांकि शहरों की कंपेयर तो कम गर्मी है, पर फिर भी है, धूप में तो है गर्मी। अब घर जाके दोबारा नहाएंगे, मैंने तो नहाया नहीं, मैं तो पहली बार नहाऊंगा, बट ये लोग दोबारा नहाएंगे। चलो जो भी है, खाली हाथ आई नहीं, जाते टाइम तो हम लोग सोच रहे थे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहला दिन था, पर मेहनत लगी वहाँ तो मिल गए काफल। ओवरऑल हो रखे हैं, हमने तो एक ही पेड़ से उठाया सब, ओवरऑल हो रखे हैं। अभी कल तो हम जाएंगे नहीं, हम लोग ऐसे एक दिन छोड़ के आते, जैसे आज गए तो कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, तो सीजन में लगातार हम लोग जाएंगे जब तक काफल लेते हैं, जब जब टाइम होगा। घर पर आ
पहुंच गए थे दिन में, उसके बाद हम लोगों ने नहाया धोया फिर खाना कंप्लीट किया, उसके बाद आराम से करके सो गए थे भाई, पूरी हालत ख़राब हो गई थक के धूप में। पापा जी क्या कर रहे हैं, काफल तैयार कर रहे हैं खाने के लिए, तो उसमें नमक डालेंगे और तेल डालेंगे, और सुबह के टाइम गए मम्मी और पापा ने प्याज खोदा हुआ है, ये देख लो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस बार का हमारा प्याज भाई इसको इस तरीके से इसलिए रखा हुआ है जिससे कि ख़राब ना हो, मतलब इसमें नीचे से जड़ें ना निकले, ऐसे कोई रखा हुआ, देखो यहाँ पे भी रखा हुआ है, यहाँ पे भी इतना प्याज है, और कुछ प्याज तो अंदर अपने काफल तैयार नमक और तेल डालने के बाद। योगी टेस्ट करके बताओ, डिग्गू कितना ला रहा है, डिग्गू जा रहा है मैं तो ज़्यादा कौन ला रखा है डिग्गू, अरे डिग्गू तो डिग्गू हुआ यार, बता कैसे लगे खट्टे, मजे आ रहे खाने में, फिर फिर क्या मिल रहे हैं ना, जंगल तो आया नहीं तू, घर में बैठ के खा रहा है, पेट भर दिया जाएगा। गाइस योगी कोई आइडिया दिया रहा काफल खाने का, कौन सा आइडिया मिलेगा कि क्या करना है, जूस बनाना है। कैसे बनेगा जूस, पहले ओखल में कूटेंगे, ओखल में कूटेंगे फिर उसका कपड़े भी निचोड़ लेंगे, कपड़े निचोड़ लेंगे ये काफल का। भाई क्या बात है, ऐसे जूस बनाएंगे, मिक्सी में पी दूंगा, तूने आज तक सुना काफल का जूस खतरनाक ही है यार, तू कैसे टेस्ट करते रहे भाई, तेल और नमक लगाए हुए काफल, तेल और नमक से ना इसका टेस्ट ही बदल जाता है, जो हमारे खेत वाले काफल थे वो तो हल्के हल्के खट्टे होते हैं, पर जंगल वाले तो काफ़ी मीठे रहते हैं, और हम लोगों ने पूरे पके पके उठा रखे हैं, पूरे काले काले ना, काले काले जो कम पके होते हैं उसको हम लोग छोड़ के आए थे ताकि अगले दिन जाएंगे उठा के लाएंगे करके। वो बड़ा खाने वाला इंसान खट्टे हो रहे आठ, और अभी इतना तेज तूफान आ गया ना, ऐसा लग रहा है कि बारिश हो जाती है, आसान बिजली भी चमक रही है हल्की हल्की, आपको कैमरे दिखेगी यहाँ वाले हिस्से पे, ऐसा मौसम होता है गाँव में, लाइट सबसे पहले भागती है, तो घर की लाइट जा चुकी है, बस सौर ऊर्जा का फायदा है कि थोड़ी बहुत रोशनी बनी हुई है। आज बनेगी हमारे घर में मछलियाँ जो कि मामा जी ने मार रखी है, ये देख लो भाई इतनी सारी मछलियाँ मार के लाए मामा जी, तो इसको बाबा भी साफ करें, इनकी जो भी गंदगी रहती है ये बड़े निकालते हैं, ये सबसे बेकार वाली मछली है, बेकार मछली नहीं है, साफ है, साफ है, इसे हम खा सकते हैं ऐसे, मैं मछली नहीं खा, ये देखो भाई, अब जो यहाँ पे शाकाहारी लोग होंगे उनको वाला पार्ट बेकार लगेगा, उसको स्किप कर सकते हैं, तो सभी लोग सफाई पे लगे हुए हैं, दो दो फोन की फ्लैश लाइट दिखाई हुई है, अंधेरा हो रहा है, तो मछलियाँ इस बार काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, मामा जी ने भाई देखो मछलियाँ मार रखी हैं, मामा हमारे बहुत टैलेंटेड हैं, मामा इस वीडियो को देखेंगे तो धन्यवाद आपको मछली देने के लिए, मैंने सिखाया है मामा को मछली मारना बचपन से, मामा यही खाता है ज़्यादा, ये खाता है पापा जी, मैं तो बहुत कम, मेरे को बहुत कम मछली पसंद है, ना के बराबर, मैं मछली नहीं खाता भाई, मैं प्योर वेजिटेरियन, ये भी आ गया मछली को सूंघ के, है ना, मछली खाएगा आज, पूछ हिला रहा है, मछली खाएगा बता, मछली खा रहा है तू, खाना तो खाएगा।